सारे मुकदमे ओपन हो गए। अरे किधर कर ले, सो कर ले, तो अच्छा कर दो, कैसा कर दो, पूरी उम्र जेल में रहा इसको, तुम्हारा ये बात तन्ने होगी, मट मट जा, कोई बात नहीं, सो मुख्य मत लगा लिए, मट 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 जा, आगे चल, बैठा तो नवीन, ये एससी एसटी वाला मामला था यार आज का, जो भी था, कोई से मामले हो, कितने मामले हो भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है, मामले मामला ये पूरी उम्र जेल में रह सकते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने बता दिए, डरा नहीं करा नवीन ने बता दिए जाने। आज नवीन को फिर से किस लिए लेके आए थे? नवीन को जी एक 410 नंबर मुकदमा है जिसमें पेंडिंग था, जो सिंचाई विभाग में आवाज़ उठाई थी, उसमें शामिल तफ्तीश करने की इन्होंने परमिशन मांगी थी, और वो परमिशन के तहत आज उन्होंने कैसा मधुर बजाय ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने परमिशन दी, तो ये शामिल तफ्तीश करने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। अभी कोर्ट में दोबारा से पेश करें, इसके बाद कोई बाकी और मुकदमे भी होंगे? इसके अलावा जी तीन मुकदमे इन्होंने, दो मुकदमे और मेंशन किए हैं जो हमने उसमें बेल लगाई थी, तो उसमें एक परावर वाला जो आवाज़ उठाई थी ब्राह्मणों के लिए, जो ज़मीन दिलवाई थी, एक मुकदमा वो है, और एक पानीपत का है जी, उसमें भी है, जो कांवड़ यात्रा निकाली थी, दो मुकदमे हो रहे हैं, इसके अलावा टोटल चार मुकदमे। अभी केसेस दोबारा खोलना क्या मंशा लगती है? ये जी मंशा तो जी पुलिस की गलत है, 2018 से क्या पुलिस सोई हुई थी, 2018 का एक मुकदमा है, एक 6/10/2022 का है, तो अभी तक तो अगर इसको और यहीं घूमता था, यहीं सब कुछ था, पूरे शहर में रहता था, एक्टिव था, तो पुलिस, ये तो पुलिस ही बता सकती है जी क्या मंशा है इसकी। क्या राजनीतिक मंशा भी हो सकती है? राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, लेकिन हमें माननीय अदालत पर विश्वास है, जो भी माननीय अदालत करेगी अच्छा ही करेगी, क्योंकि हम न्याय के द्वार खड़े हैं, न्याय लेंगे। तो प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है? अभी प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।